दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर बीती रात हुई विवियन और रजत दलाल की जोरदार लड़ाई, जिसके अंदर रजत दलाल ने यहाँ पर विवियन को कह दिया कि अगर उंगली दिखाओगे तो उंगली तोड़ के जेब में डालनी भी आती है। आपको बता दें कि लड़ाई शुरू कैसे हुई। चाहत जो है वो यहाँ पर काफी देर से विवियन की बातों को इग्नोर कर रही होती है। विवियन सबसे पूछ रहे होते हैं कि किसी को वॉशरूम जाना है तो अभी चले जाएं क्योंकि बाद में फिर मैं जाऊँगा। हालांकि चाहत फिर तब नहीं जाती है, लेकिन जैसे विवियन बाथरूम में जाते हैं तो चाहत कहती है कि अब उन्हें जाना है। विवियन कहते हैं कि ठीक है, पर पहले मैं नहाऊंगा, उसके बाद फिर आप जाना। थोड़ी ही देर बाद आपको बता दे कि रजत दलाल वहाँ मौजूद होते हैं। वो कहते हैं मुझे भी वॉशरूम जाना है, तो विवियन उनको जगह दे देते हैं और रजत से कहते हैं कि मेरा जो बाथरूम का स्पेस है वो तुम मुझे वापस कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी चांस दिए तो तुम अब मेरी चांस मुझे लौटा देना। इसके बाद जो रजत दलाल होते हैं वो काफ़ी देर तक विवियन का वेट करते, विवियन बाहर होते हैं, लेकिन चाहत इस बीच बाथरूम में चली जाती है। हालांकि रजत दलाल को बार बार कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे सुसु आई है, इस वजह से रजत दलाल उन्हें जाने देते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे जुबान दी है कि वो फट से वापस बाहर आ जाएंगी तो आ जाएंगी। लेकिन इस बात से विवियन को काफ़ी बुरा लग जाता है और रजत दलाल को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। और इसके बाद रजत दलाल भी चुप नहीं रहते और कहते हैं कि विवियन भाई तमीज से रहोगे तो मैं भी तमीज से रहूंगा, वरना किसी के बाप का मैं खाता नहीं हूँ, मैं घर के अंदर हूँ तो आप भी घर के अंदर हो, बाथरूम आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और इसी के साथ दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तू तू मैं हो जाती है। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।